वो चुनाव है जो हम सबको, हम सब जानते हैं, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने का चुनाव, एक अग्रणी राजस्थान बनाने का चुनाव, एक विकसित राजस्थान बनाने का चुनाव। भजन लाल शर्मा जी हमारे मुख्यमंत्री, लगातार प्रयास कर, केवल 10 महीने हुए, लेकिन आपने देखा होगा वो व्यक्ति जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं केंद्र में देश को आगे बढ़ाने के लिए, वैसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी रात दिन काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा एक कम से कम वो व्यक्ति 20 घंटे काम कर रहा है, चाहे पानी की योजना की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, शिक्षा की बात हो, सुरक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सड़कों की बात, हर वक्त वो काम करते रहते हैं कि राजस्थान को कैसे और मजबूत बनाया जाए, राजस्थान में कैसे और विकास किया जाए। जब ऐसा मुख्यमंत्री आपको मिला, पहली बार उनको अवसर मिला, वो आम कार्यकर्ता था, लेकिन हमारी पार्टी एक आम कार्यकर्ता को नेता बना देती है, आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना देती है, आम कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री बना देती है। ऐसी पार्टी, ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री आपको मिला, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि इस कड़ी को भी, देवी उनियारा की कड़ी को भी उस माला में पिरोने का काम करना है? हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? है कि नहीं है? सब चाहते हैं कि यहाँ इस क्षेत्र में भी काम हो, विकास हो। ये क्षेत्र भी जिस तरह से ये क्षेत्र पिछड़ा रहा, ये क्षेत्र आगे बढ़े। और जब आपके इस मंच पर 3 लोग गारंटी दे रहे हैं और सड़क, बिजली और पानी भी यहाँ है, तो ऐसी कोई भी, मुझे लगता है ऐसी कोई मांग नहीं रह जाएगी, ऐसा कोई विकास का काम नहीं रह जाएगा। इन 5 सालों में हम आपको गारंटी देते हैं कि राजेंद्र जी गुजर जीतेंगे और हम सब मिलकर आपके सारे काम करेंगे। अभी आपके सरपंच जी, आवा के जो हमारे सरपंच हैं भारद्वाज जी, उन्होंने भी एक जैन तीर्थ की जो एक सड़क है उसकी मांग रखी थी, क्योंकि आचार संहिता है तो मैं कोई घोषणा तो नहीं कर सकती, तो आश्वासन जरूर दे सकती हूँ कि ये जो आपने बात रखी इसमें पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे कि आपका ये भी काम हो, और आगे आने वाले समय में ऐसा कोई भी कार्य ना हो जो यहाँ का बाकी रहे। हम सब जानते हैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं कि निवेश आए हमारे राजस्थान में, 15 लाख करोड़ से ज्यादा MOU साइन हो चुके हैं, और ये MOU हम सब आपको बताना चाहेंगे, ये MOU धरातल पर उतरने वाले, और MOU साइन होने के बाद निवेश आएगा, और निवेश आएगा तो रोजगार बढ़ेगा। हमारी सरकार ने आपको पूर्ण रूप से घोषणा की है इस बजट में कि कम से कम 5 लाख नौकरियां, ये राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की, भजन लाल जी की सरकार 5 लाख हमारे रोजगार देगी राजस्थान, ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात। अभी सभी ने बजट की प्रशंसा की, मैं तो आपको ये कहना चाहूंगी कि आप विपक्ष में भी पूछ लीजिए, विपक्ष के विधायकों को, सांसदों को पूछ लीजिए कि आप बताइए, माइक पे मत पूछना, अलग से पूछना कि ये बजट कैसा था, वो भी आपको यही कहेंगे, ऐसा बजट तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमारे क्षेत्र में ना तो कोई सड़क बची है, ना कोई पानी का काम बचा है, ना कोई स्कूल बचा है, सारा का सारा हमको दे दिया। हम सब जानते हैं जिस तरह से कांग्रेस खजाना खाली करके चली गई, कुछ नहीं बचा, मैं जानती हूँ, मैं वित्त मंत्री हूँ, लेकिन फिर भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस राजस्थान में अब डबल इंजन की सरकार है, और प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि नहीं, राजस्थान को वंचित नहीं रखना, राजस्थान के एक एक व्यक्ति का काम करना है, उसके घर तक पानी भी पहुंचाना है, सड़क भी पहुंचानी है, स्कूल भी बनाना है,
हॉस्पिटल भी बनाना है और महिलाओं को आगे भी बढ़ाना है, हमारी बच्चियों को शिक्षा भी देनी। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसी बजट में, पहले बजट में मैं सब कुछ हूँ, किसी भी व्यक्ति को मैं वंचित नहीं छोड़ूंगी, किसी भी गांव को मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि उस गांव में सड़क नहीं या पानी नहीं आया या ऊर्जा के बिजली नहीं आई। अभी बता रहे थे ऊर्जा मंत्री जी, हम बताएंगे आपको कि कम से कम 2 साल में 24 घंटे कम से कम हमारी बिजली की संकट, बिजली का संकट जो वर्षों से है वो बिजली का संकट तो समाप्त हो जाएगा। हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके सारे काम करे, पर हाँ एक मेहनत आपको करनी है। 13 तारीख को चुनाव है, 13 तारीख को आपको पोलिंग बूथ तक जाके वोट डालने का काम तो आप ही को करना होगा। तो उसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सब मिलकर फुल वोटिंग कीजिए। एक एक वोटर को निकालने का काम भी आपको करना है, क्यों करना है वो हम सब ने आपको बताया। और गारंटी जो हम लोग लेने के लिए आपके आज सब बीच में आए कि राजेंद्र जी जीतेंगे तो आपके सारे काम होंगे। अब अगर गलती से किसी और को एक भी वोट चला गया ना तो वो कोई काम का वोट नहीं है, उसको कुछ भी नहीं कर पाए। अभी आपको बताया कि सड़कें बनी है, कम से कम 65 करोड़ की सड़कें स्वीकृत हुई है, पुलिया मरम्मत के भी 650 करोड़ दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ देवी उनियारा विधानसभा में। और आप सोचिए ये तो तब किया हमने जब हमारे यहाँ से विधायक नहीं था। अगर एक बार विधायक बन गए उसके बाद तो मुझे लगता है कि विकास की गंगा बहेगी, विकास की गंगा बहेगी आपके साथ। हमारे सभी युवा कार्यकर्ता तो बहुत ही उत्साहित हैं। हमारे सारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं, तो ये उत्साह ना आप एक एक घर तक पहुंचना चाहिए। पहुंचेगा, गारंटी लेते हो आप? हम तो गारंटी इनकी लेते हैं। अब आपको वोट कराने की गारंटी आपकी है आज से। अब आपको हमारी मातृशक्ति को, हमारे बड़े बुजुर्गों को, राजेंद्र जी को वोट देके फुल वोटिंग से, खूब अच्छी मेजोरिटी से, क्योंकि सब बोल रहे हैं राजस्थान में कि देवी उनियारा को सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगी, ये ऐसी चीज बन चुकी है। और आज हमने देखा कांग्रेस के टॉप जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में जुड़े हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। धीरे धीरे मुझे लगता है कांग्रेस धीरे धीरे खत्म ही होने लग गई है आपस की लड़ाई की वजह से, और सारे समझ गए हैं कि अगर इस देश में सचमुच कोई विकास करना चाहता है, इस देश को आगे बढ़ाना चाहता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। तो सब लोग आप देखिएगा धीरे धीरे सब भारतीय जनता पार्टी में ही आते, लेकिन आज आपको एक बहुत सुनहरा मौका मिला, सुनहरा मौका कहूंगी कि एक बार फिर अपना नेता और विधायक चुनने का मौका मिला है। इस मौके को ना गवाएं, फुल वोटिंग कीजिए। महिलाओं को दोबारा कहूंगी कि आप सबको घर से बाहर निकलना है, खाना बनाना काम करना तो रोज होता है, लेकिन वोट करने का समय तो 5 साल में एक बार ही आता है। तो इस समय हम सबको मन बना के एक एक व्यक्ति को, एक एक महिला को घर से बाहर निकलना है, काम होते रहेंगे लेकिन वोट बार बार नहीं डलेगा। तो सब जाके वोट जरूर कीजिए, राजेंद्र गुर्जर जी को अपना विधायक चुने, अपना जनसेवक चुने, उसके बाद तो सारी जिम्मेदारी इनकी है और फिर ये जो काम हमारे पास लेके आएंगे हम निश्चित रूप से सारे काम करेंगे। एक बार फिर मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ, 3600 लोगों का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया, मेरा इतना भव्य स्वागत किया। मैं मंच का धन्यवाद देती हूँ कि आप सबने बहुत बहुत मुझे आज सम्मान दिया। और जीतने के बाद फिर राजेंद्र जी आप हम सबको बुलाइएगा।